जब ये गाना बजेगा डांस फ्लोर पर तो सभी को आना ही पड़ेगा। जी हाँ, कुछ यही कह रही है बर्थडे गर्ल प्रत्युषा, जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है, जिसके खास मौके पर उन्होंने एक शानदार पार्टी भी रखी है। सबके लिए बर्थडे का दिन बहुत स्पेशल होता है और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल डे इन माई लाइफ, माई बर्थडे, जिस दिन मैं पैदा हुई थी। आई विश प्रत्युषा अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड विद लॉट्स ऑफ लव, मे गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग एवरीथिंग यू डिजायर। यही कुछ मांगा प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड मकरंद ने खुदा से, क्योंकि आज वो प्रत्युषा को अपनी पलकों में बिठा कर रखना चाहते हैं, उनका खूब ख्याल रखना चाहते हैं। बर्थडे गर्ल की इस हिप एंड हैपनिंग पार्टी में सबसे पहले पधारे उनके ऑन स्क्रीन एक्स हस्बैंड्स जग्या और सिड, जिनकी ये कभी आनंदी हुआ करती थी। सबसे पहले तो उसको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और बस मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ कि जितना प्यार उसको बालिका में मिला है उससे कहीं ज्यादा प्यार उसको आगे आने वाले काम में मिले। गिफ्ट के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं है, पर गुड विशेस ऑलवेज देयर, और गिफ्ट तो हम बाद में डिसाइड करके दे देंगे। अपनी एक्स बहू रानी को ढेर सारा आशीर्वाद देने उनकी सासू माँ भी पधार गई। इनको तो आना ही था, बहुत लेट आई है, वो अलग बात है। मैं तो होस्ट हूँ, मुझे तो जल्दी आना चाहिए था। I swear, तो इसलिए मैं इनसे थोड़ी नाराज हूँ, बट ठीक है, फाइनली आ गई तो, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिचर भी है एट टाइम। और इन सब के बाद फाइनली वो सब नजर आ ही गए जिनका प्रत्युषा को न जाने कब से इंतजार था। बस आ ही रहे हैं, पता नहीं पहुंच ही नहीं रहे कब से। हाँ, मेरे दोस्त बड़े लेट लतीफ हैं, वो हमेशा आराम आराम से आते हैं। जी हाँ, बात यहाँ प्रत्युषा के स्पेशल फ्रेंड्स की टोली की हो रही है, जिनके आते ही बर्थडे गर्ल के चेहरे पर एक बड़ी ही खूबसूरत सी मुस्कान आ गई। इस टोली में शामिल थी व्हाइट एंजल बनी सारा, अंगद हसीजा, देवीना बैनर्जी, और हाँ, हाथों में रंग बिरंगे गुलाबों का गुलदस्ता लिए अंकित और अदा भी आ ही गए। सॉरी बेबी, इट्स ओके, दिया दो किसेस, मिल गए मुझे दो, टू बर्थडे बस। एक्चुअली मैं लेट हो गया, क्या हुआ था, मैं जिम गया था और जिम जाके घर से हो गया और अभी उठा हूँ। मैं मारना डाले मुझे और भाग के आया हूँ। बहुत अच्छी अच्छी विशेष लिखी है प्रत्युषा के लिए, और फ्यू मेरी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी दोस्त है, और आज उसको पार्टी में हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। अलग लगना कभी कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ही जैसे देख देख के आप लोग भी शायद थक गए हैं, और मैं भी अपने आप को मिरर में देख देख के थक चुकी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा अलग होना ज़रूरी है। और अब बारी थी केक कटिंग की। जिस तरह बर्थडे गर्ल अपनी पार्टी में बड़ी ही हटके लग रही थी, ठीक उसी तरह था उनका केक भी, जो एक हुक्का के शेप में था और उस पर था एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मैसेज भी। क्या जिसमें नाच गाना ना हो, तो लीजिए भाई, हमारे कहने की ही देरी थी कि शुरू हो गया नच का धमाल भी, जिसको सबसे ज्यादा एंजॉय करती नजर आ रही थी बर्थडे गर्ल।
ऑल इन ऑल पार्टी सचमुच बड़ी ही रॉकिंग थी। प्रत्युषा, आपको हम सब की तरफ से भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट।